नाउ जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन बॉर्न पराग अग्रवाल बने हैं नए सीईओ ऑफ ट्विटर, और इन्होंने अपनी पोजीशन संभालते ही पहला बड़ा स्टेप ये लिया है कि हजारों चाइनीज स्टेट लिंक्ड अकाउंट ट्विटर में ये बैन कर दिए हैं। होता यहाँ पर क्या था कि चाइना ने ट्विटर अपने देश में तो बैन कर रखा है, मगर चाइनीज गवर्नमेंट कई लोगों को पेमेंट देती थी ट्विटर पे जाकर, वीपीएन यूज करके ट्विटर पे जाकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और ये प्रोपेगेंडा ज्यादातर होता था एंटी इंडिया, गलवान वैली से रिलेटेड। उसके अलावा इन अकाउंट्स का ये भी काम था कि इंश्योर करो कि पाकिस्तान और बाकी जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं वहां तक ये बात फैले कि चाइना उइगुर मुस्लिम्स के साथ कुछ अत्याचार नहीं कर रहा। ये प्रोपेगेंडा बहुत ही बड़े स्केल पर फैलाया जा रहा था। आप कह सकते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। और अब फाइनली ट्विटर ने यहाँ पर इनके हजारों अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। कई अकाउंट्स तो मैंने खुद देखे हैं जो पहले एंटी इंडिया बातें करते थे, आज के समय सस्पेंड हो चुके हैं ऑन ट्विटर।